अनुसार 10 जुलाई 2023 से आरपीएससी द्वारा शुरू होने वाले 2021 आरएएस भर्ती के साक्षात्कार पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग करते हुए किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि आरएएस भर्ती परीक्षा से लेकर अब तक धांधली व घोर अनियमितताएं बरती गई हैं। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में शिव सिंह राठौर की भ्रष्टाचार की भूमिका का पूर्व भी खुलासा किया था कि आरपीएससी द्वारा नियुक्त कोऑर्डिनेटर शिव सिंह राठौर ने कॉपी जांचने की जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र के चहेते प्रोफेसर को दी, जिसने गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों का साक्षात्कार में भी धांधली कर अच्छे अंक देकर चयन कराने में शिव सिंह राठौर ने अहम भूमिका निभाई। सोशल मीडिया पर आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र भूगोल का 13वां प्रश्न की जानकारी साझा करने के कारण आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन शिव सिंह राठौर की भूमिका भी संदिग्ध थी। प्रेसवार्ता में डॉक्टर मीना ने कहा कि मैं आरपीएससी अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि सदस्य बाबूलाल कटारा को शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड के पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी किसके कहने पर दी। इतिहास में आज तक इस प्रकार की जिम्मेदारी किसी भी अध्यक्ष ने नहीं दी और आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 की कॉपियां जांचने में मुखिया जी के इशारे पर आरपीएससी अध्यक्ष ने अंजाम दिया। आरएएस मुख्य परीक्षा की कॉपियां जांचने के लिए क्या आयोग ने फुल कमीशन की बैठक में शिक्षकों का चयन किया था। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा मुख्य परीक्षा 2021 की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच आरपीएससी के चेयरपर्सन संजय छेत्री द्वारा प्राइवेट कॉलेजों के अनुभवहीन शिक्षकों में करवाकर आरपीएससी के वर्णित नियमों का घोर उल्लंघन किया है। एक भाग के प्रश्नों को अनुभवहीन शिक्षकों द्वारा जांचा गया। लोक प्रशासन के प्रश्नों को ओटीएस से सेवानिवृत्त आर के चौबीसा हेड कोऑर्डिनेटर को बनाया गया, जिसने लोक प्रशासन के प्रश्नों को जांचने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के बजाय अनुभवहीन एमएनआईटी जयपुर में रूम की इंचार्ज कनोडिया कॉलेज की शिक्षक रीटा माथुर, सेवानिवृत्त डॉक्टर आर के चौबीसा रीटा माथुर, मनीषा माथुर, इंदु शर्मा, अर्चना मिश्रा, रूपाली भदौरिया, पवन शर्मा, प्रीति अग्रावत को दी। ये सभी निजी महाविद्यालय के शिक्षक हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के नजदीकी धर्मेंद्र राठौर एवं गोविंद सिंह डोटासरा के चहेते शिव सिंह को आरपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के समय कार्यवाहक का अध्यक्ष बनाया। रीट परीक्षा में रामकृपाल मीना, प्रदीप परासर, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के निजी शिक्षकों को जिम्मेदारी दी। इस कारण रीट का पेपर लीक हुआ था। उसी प्रकार निजी महाविद्यालय कनोडिया कॉलेज, सुबोध कॉलेज और बगरू के एक निजी कॉलेज के शिक्षक द्वारा जांचने की जिम्मेदारी दी गई। भ्रष्टाचार के सबसे बड़ा तथ्य यह है कि आरएएस मुख्य परीक्षाओं के अंकों में हेराफेरी करवाने की मंशा से उत्तर पुस्तिकाओं को दोनों बार निजी संस्थाओं से जुड़े एक ही शिक्षक द्वारा जांच करवाई गई। मुख्यमंत्री जी, आप तो हर गलती की सजा मांगने की बात करते हैं, आपने अब तक आरपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? ये सब इंस्पेक्टर थानेदारों की परीक्षा 13/9/2021 से 15/9/2021 तक आयोजित की गई थी, जिसमें 11 मुकदमे दर्ज हुए थे और 11 मुकदमों से सात में चालान हो गया, 2 में एफआईआर लग गई, 2 अभी पेंडिंग है। और इसमें आपने मौके पर सुना होगा, एक महिला सब इंस्पेक्टर से पूछ रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति कौन है, तो माननीय द्रौपदी मुर्मू का वो नाम नहीं बता सकी और वो सब इंस्पेक्टर बन गई वो बन गई। तो ये निरस्त होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने निरस्त नहीं किया है। और एफआईआर कैसे मामले में लगाई है, थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को कॉपी जांच करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, वो आरपीसी के चेयरमैन संजय सोत्रिय ने आरएस 2021 की परीक्षा की कॉपी प्राइवेट कॉलेजेस के ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जहां खुले में कॉपियों को चेक किया गया, आपस में देखा गया, सत्ताधारी दल के नेताओं से मिलकर उनसे गाइडलाइन लेकर चहेतों को कॉपियों में नंबर दिए गए, वो प्रमाण आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात ही कहते हैं, हर गलती सजा मांगती है,